Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, वो इस फर्जी खबर को उठा करके पूरा ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो दावा करते हैं कि सिडनी से इंजीनियरिंग पढ़ के आए, तेजस्वी यादव कितना पढ़े हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उप मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जो भी मुख्यमंत्री रहे, प्रशांत भूषण जी एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, ये सब लोग इस फर्जी खबर के आधार पर ऐसा एक पूरा एक बयान जारी कर रहे हैं मानो पूरा का पूरा चुनाव में ईवीएम हैक कर लिया गया। उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा क्षेत्र के जो हारे हुए उम्मीदवार हैं श्री कृतिकर जी, वो 4 जून के बाद से ही अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं और लगातार वो जीते हुए उम्मीदवार रविंद्र वायकर के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। उसी दुष्प्रचार की कड़ी में आज मुंबई के 2 अखबारों ने खबर छापी है कि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी नेस्को ग्राउंड में, उस दिन जीते हुए उम्मीदवार यानी वायकर जी के एक रिश्तेदार मोबाइल लेकर के काउंटिंग सेंटर पर थे और उन्होंने उस मोबाइल से ईवीएम को हैक किया, उनके मोबाइल पे ईवीएम से ओटीपी आया। इस प्रकार की एक मनगढ़ंत जानकारी आज के अखबारों में छपी है और यह भी बताया गया है कि पुलिस केस भी हुआ है और इसकी छानबीन भी हो रही है। पुलिस केस किसी भी शिकायत पर हो सकती है और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है छानबीन करने की, लेकिन जो तकनीकी सच्चाई है उसको भी जानने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि ईवीएम मशीन को मोबाइल से हैक नहीं किया जा सकता, मोबाइल से ऑपरेट नहीं किया जा सकता। मतलब कोई ईवीएम मशीन मोबाइल से कनेक्ट हो ही नहीं सकता, तो मोबाइल पर ओटीपी ईवीएम मशीन भेज ही नहीं सकता। तो ये पूरी जानकारी गलत है। दूसरी बात, वो मोबाइल वायकर के रिश्तेदार की है इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, ये छानबीन का विषय है। यह भी हो सकता है कि वायकर के रिश्तेदार को मोबाइल ना हो और वो मोबाइल हो सकता है वहां के किसी अधिकारी का हो और उन्हें फॉर द टाइम बीइंग अपने पर्सनल यूज के लिए लिया हो, घर पे कोई मैसेज देने के लिए, ऐसा अक्सर काउंटिंग सेंटर पर होता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो लोग इस खबर के आधार पर यह एक नैरेटिव चला रहे हैं, पूरे देश में दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ईवीएम हैक किया गया मोबाइल के जरिए, उनको मैं बताना चाहूंगा कि एमबीए का उम्मीदवार यानी इंडिया का उम्मीदवार जब ईवीएम के वोटों के काउंटिंग कंप्लीट होती है, पूरी हो जाती है, तब वो हमारे उम्मीदवार से 1 वोट से आगे थे। मतलब अगर हम लोगों ने ईवीएम हैकिंग की होती तो 1 वोट से विरोधी पक्ष का उम्मीदवार जीतता नहीं। अब आप पूछेंगे फिर वो हारा कैसे 48 वोट से? इस सवाल का जवाब यह है कि ईवीएम के वोटों की काउंटिंग के बाद जो सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग हुई थी उसको ऐड करना रह गया था, तो जो पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग थी वो पहले से रेडी था हमारे पास। उस पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में रविंद्र वायकर को 1550 वोट मिले थे और कृतिकर को 1501 वोट मिले थे। दोनों उम्मीदवारों को जो प्राप्त वोट थे, जिसमें 1 वोट से कृतिकर के सुपुत्र आगे थे, उनके वोटों में पोस्टल वोटों को जोड़ा जाता है, पोस्टल बैलेट के वोटों को, और उसके जोड़ने के बाद 48 वोट से कृतिकर पीछे छूट जाते हैं और वायकर आगे निकल जाते हैं। मतलब ईवीएम हैक करके वायकर नहीं जीते हैं, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की वजह से वो आगे निकल आए। अब इस फर्जी खबर को जिस तरीके से हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं ने आज अपने ट्विटर हैंडल पे उठाया है, वो अपने आप में हास्यास्पद मामला है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, वो इस फर्जी खबर को उठा करके पूरा ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो दावा करते हैं कि सिडनी से इंजीनियरिंग पढ़ के आए,
तेजस्वी यादव कितना पढ़े हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उप मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे, प्रशांत भूषण जी एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, ये सब लोग इस फर्जी खबर के आधार पर ऐसा एक पूरा पूरा एक बयान जारी कर रहे हैं मानो पूरा का पूरा चुनाव में ईवीएम हैक कर लिया गया था। मुझे बड़ा हंसी आती है ऐसे बेसलेस और पूर्वाग्रहग्रस्त और झूठ पर आधारित खबर को इन नेताओं ने बगैर जांच के, बगैर परख किए, बगैर चेक किए उठाया और आगे बढ़ाया। मुझे इनके 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 पूरे बुद्धिमत्ता पर तरस आता है, मैं इसका निषेध करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुंबई पुलिस और कलेक्टर ऑफिस, मुंबई सबर्बन कलेक्टर ऑफिस जो यहां के चुनाव प्रचार का, चुनाव के पूरी प्रक्रिया का इंचार्ज था, उनकी तरफ से ऐसे दोषपूर्ण खबरों को छापने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं उनके खिलाफ भी एक जोरदार कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर के यह दुष्प्रचार रुकेगा। मैं एक बार फिर कहता हूं ईवीएम की कोई हैकिंग नहीं हुई थी इस चुनाव में। दूसरी बात, अगर हैकिंग होती तो कांग्रेस को 99 सीट नहीं मिलते, अगर ईवीएम की हैकिंग होती तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में 37 सीटें नहीं मिलती। तो कम से कम अब ईवीएम के नाम पे जो रोना है उसको बंद करिए और अपने उम्मीदवार को बोलिए कि भाई तू 48 वोट से हार गया, अब इसको मन को मतलब दबा करके स्वीकार कर लो और आगे के चुनाव की तैयारी में लग जाओ।